राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर बनाई गई एक पंचायत जैसी साउथ की वेब सीरीज, लेकिन रही बिलो एक्सपेक्टेशन। वेलकम टू जीएमआर। आज हम जिस सीरीज की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज का नाम है पेरिलूर प्रीमियर लीग। ये सीरीज कल ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी पर रिलीज हुई है। सीरीज में सभी नए चेहरे हैं। ये एक मलयालम लैंग्वेज की सीरीज है जो हिंदी भाषा में डब्ड करके रिलीज की गई है। वेब सीरीज के नाम पे मत जाइएगा, इसका किसी भी मैथ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह स्लैपस्टिक कॉमेडी किसी एक मुद्दे पे बनी रहती कोई कॉमेडी नहीं है। इसमें मुद्दे चेंज होते रहते हैं, लेकिन है पूरी कॉमेडी। पेरिलूर उत्तरी केरल के पलक्कड़ जिले के वल्लुनवाद क्षेत्र में एक काल्पनिक शहर बनाया गया है। इस सीरीज के सभी पात्र भी पूरी तरह से काल्पनिक हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गांव में गाड़ियों की नंबर प्लेट पर भी पीएल लिखा है, जबकि केरल में नंबर प्लेट पर केएल का उपयोग होता है। वाहनों के लिए अलग नंबर प्लेट वाला एक गांव फिल्म में होने वाली घटनाओं को दर्शाने के लिए एक बेहतर तरीका है। इस प्रकार लेखक दीपू प्रदीप स्थापित करते हैं कि पेरिलूर एक अनोखी जगह है और यहाँ होने वाली घटनाएं कहीं और नहीं होती। पेरिलूर प्रीमियर लीग की शुरुआत पीताम्बरन यानी विजय राघवन से होती है, जो एक अनुभवी राजनेता हैं, जो कानूनी मुद्दों के कारण पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। वह लंबे समय तक पेरिलूर पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। सोमन यानी अशोकन पीताम्बरन के प्रतिद्वंदी हैं और हर बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन व्यर्थ रहता है। एक चालाक राजनीतिक पीताम्बरन अपनी भांजी मालविका यानी निखिला विमल को अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए कहता है। मालविका इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में झिझक रही है, क्योंकि वह पीएचडी करना चाहती है और शिक्षाविदों में रुचि रखती है, लेकिन वह मैदान में रहने का फैसला इसलिए करती है क्योंकि वह श्री रामन उर्फ श्रीकुट्टन यानी सनी वैन से प्यार करती है, तो पेरिलूर का ही रहने वाला है। इस सीरीज का हर एक कैरेक्टर विचित्र और मजाकिया है। उदाहरण के लिए पीताम्बरन एक चालाक राजनीतिज्ञ है और उनकी पार्टी का चिन्ह है फॉक्स। उनके प्रतिद्वंदी सोमन कभी चुनाव नहीं जीत पाने से दुखी नहीं होते, बल्कि हर बार यही कहते हैं कि अगले चुनाव में फिर मिलेंगे, यही उनकी आत्मा है। श्रीकुट्टन एक एनआरआई है जो दुल्हन की तलाश में है। उसे हर अच्छी दिखने वाली लड़की से प्यार हो जाता है। उनकी एक फ्लेक्स प्रिंटिंग की दुकान भी है और उनका कर्मचारी जौफर फ्लेक्स बोर्ड प्रिंटिंग करते समय हमेशा गलतियां करता है। जौफर खाड़ी से लौटे एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली एक नई बस सेवा के साइन बोर्ड में एक स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है और बस के इस गलत नाम से मालिक लोकप्रिय हो जाता है। साइको बालचंद्रन यानी अर्जू वर्गीस ग्रामीणों को गलत जानकारी देता है, हालांकि वे ये सब जानते हैं कि वो गलत बोल रहा है, फिर भी वे उस पर विश्वास करते हैं और गलतियां करते रहते हैं। वेब सीरीज समाज के हर पहलू का मजाक उड़ाती है। यह अंधविश्वासों में विश्वास करने वाले और नकली नास्तिकों को करारा तमाचा भी मारती है। यह हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर भी एक व्यंग कसती है। सीरीज में मालविका ही एकमात्र कैरेक्टर है जिसकी सोच थोड़ी सी ठीक ठाक लगती है, लेकिन उसे गांव में हो रही घटनाओं से कोई परवाही नहीं है। कहानी के एक बिंदु पर आकर वह अलग रुख अपनाती है जो उसके मामा पीताम्बरन को अच्छा नहीं लगता। जब पीताम्बरन को मालविका और श्रीकुट्टन की प्रेम कहानी के बारे में पता चलता है तो वह उनकी शादी कराने की पहल करता है। खैर, ये एक राजनीतिक रणनीति होती है। दीपू प्रदीप की पिछली फिल्में कुंजी रामायण और पद्मिनी ये भी एक कॉमेडी फिल्में थी। लेखक ने कुंजी रामायण जैसा काल्पनिक गांव बनाने में खुद को साबित किया है। डेब्यू डायरेक्टर प्रवीण चंद्रन ने स्लैपस्टिक कॉमेडी को शामिल किया है, जो इस वेब सीरीज को देखते वक्त काफ़ी बढ़िया भी लगता है। वेब सीरीज में कई पात्र हैं और उनमें से अधिकांश गांव की चाय पर ही इकट्ठे होते रहते हैं। वेब शो में कई अच्छे प्रदर्शन भी हैं। मलयालम सिनेमा के एक्सपीरियंस एक्टर्स जैसे विजय राघवन और अशोकन इस शो को काफ़ी आगे बढ़ाते हैं। प्रतिद्वंदी राजनीति के विरोधों के रूप में उनका प्रदर्शन देखने लायक बनता है। पेरिलूर की पंचायत अध्यक्ष मालविका के रूप में निखिला विमल ने भी बढ़िया काम किया है। चुनाव जीतने के बाद उनके हाव भाव और मामा के खिलाफ फैसले में लेने लायक उनकी जो बेबसी है वो देखते ही बनती है। सनी वैन को उनके कैरियर में एक यादगार कैरेक्टर श्रीकुट्टन का मिला है। कॉमेडी दृश्यों में ये अभिनेता काफ़ी प्रभावशाली दिखते हैं।
बैकग्राउंड स्कोर कॉमेडी दृश्यों के हिसाब से ठीक ठाक है। अनूप वी शैलजा की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी है। रात के सीन और विस्फोट के दृश्य काफ़ी अच्छे से फिल्माए गए हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि इस वीकेंड अगर आप टाइम पास के लिए कोई सीरीज़ देखना चाहते हैं तो ये ओके ओके टाइप सीरीज़ देख सकते हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ मत देखिएगा। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।